विधान परिषद चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और सपा के प्रत्याशी ने पर्चा भरा। बीजेपी से जहां चार बार के एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह मैदान में उतरे हैं, तो वहीं सपा से गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति ने पहली बार मैदान में ताल ठोकी है। ऐसे में अब सुल्तानपुर में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एमएलसी नामांकन के आखिरी दिन सुल्तानपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बीजेपी के पक्ष में वोट देने और उसके बाद घर में शुरू हुए विवाद के बाद ससुराल पक्ष की तरफ से तलाक की धमकी के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। ऐसे में ससुराल पक्ष के लोग बरेली पुलिस कप्तान के दरबार में पहुंचे और अपने आप को बेगुनाह बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है और ना ही तलाक की कोई बात सामने आई है, लेकिन बेवजह का इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा मामला ये है, हमारे साथ इनका लव मेरी शादी हुई थी, तो लव मेरी शादी होने के बाद इनको ले लिया गया साथ में, मतलब रहने लगी। रहने के बाद ये कुछ टाइम के बाद इन दोनों मियाँ बीवी ना हम लोगों सास ससुर पे नंदों पे हाथ उठाने लगी थी, तो बहुत हद से ज़्यादा बात बिगड़ चुकी थी। हमारे ससुर पे आरोप लगाया जा रहा था बलात्कार का, हमारे ससुर ने इस चक्कर में उसे बेदखल कर दिया गया, लड़के को भी और लड़की को भी। हमारा ना लड़के से मतलब रह गया ना लड़की से मतलब रह गया, हमने इन्हें इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद लड़का कहाँ गया लड़की कहाँ गई हमें नहीं पता। इन्होंने आरोप ये लगाया है भाजपा को, आपने वोट क्यों नहीं देने दिया दहेज उसके ऊपर, तलाकनामा के ऊपर। तलाक हमने नहीं कहा ना भाजपा को वोट देने, वो तो इंसान पर डिपेंड करता, आप किसे दें वोट। इन्हें 4 महीने से ज़्यादा हो गए, हमने जो बेदखल कराया है इन्हें हमने घर से निकाल दिया बेदखल करके। जब हम परेशान हो गए तो हमने बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया। उन्हें हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो अलग रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर अलग रह रहे हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, आदमी हमारा पति हमारे टीवी के सांस के बीमार हैं, मरीज हैं। अब जो एक्शन उठा के चल रही है ये सब झूठा है। भैया को हमारे हम लोगों पर वोट का आरोप लगाया है।